जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण क्यों? परफेक्ट लगा है। अपूर्ण क्यों? कॉन्टिन्यूअस लगा है। तो पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। अब इसकी जहां पहचान की बात कोई करे तो पहचान में जब वाक्य के अंत में के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे होंगे आदि शब्द समय के साथ आए। देखो, जब तक समय नहीं जुड़ेगा तब तक ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता, मात्र कॉन्टिन्यूअस रह जाएगा। आदि समय के साथ आए, इतना अंतर है। समय के साथ आए, अगर समय नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस, जब समय जुड़ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस मेन पहचान इसकी है। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की कोई बात करे तो शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब शैल हैव बीन कहां लगेगा? मात्र आई और बी के साथ, आई और बी के साथ। विल हैव बीन, यूज ऑफ विल हैव बीन, दे यू ही सी इट एनी नेम के साथ, एनी नेम के साथ। अब एक चीज और है, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय के लिए कुछ ना कुछ इसमें यूनिट, कुछ ना कुछ उसका प्रबंधन वो करेगा। तो समय के लिए इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस मतलब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इंग्लिश में बोला जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, बिल्कुल पॉइंट में है ना। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, कोई निश्चित है नहीं वो कितना है। तो सिंस का प्रयोग कहां होगा? निश्चित समय हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सुबह शाम, हर वीडियो में मैंने पढ़ाया है जो मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, सुबह शाम, पिछली रात, पिछला दिन, पिछली रात दिन, ऐसे दोनों जोड़ देता हूं है ना। आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना। एक तो मतलब वो सिंस का बिल्कुल परफेक्टली प्रयोग है वहां, सिंस लास्ट नाइट है ना, पिछली रात और पिछला दिन। दिनों के नाम हो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, संडे, मंडे। महीनों के नाम हो जनवरी, फरवरी। वर्ष के नाम हो सन के, मतलब इसको सन बोलते हैं, जैसे 2014, 15, 20, 22, 24, 50, जो भी है सन के नाम।
समय जो है बजे में हो, जैसे 4 बजे समय बजे में हो, है ना, जैसे 4 बजे 5 बजे 6 बजे ऐसा, ठीक है। कुल मिला के ये सब बातों में आप सिंस लगाना और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब चल रहा है, आप कह नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो कौन से 2 घंटे, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। मैं 2 महीने से इस मकान में रह रहा हूं, कौन से 2 महीने, जनवरी फरवरी, क्या कैसा है ना, तो ऐसा। अब इसके बाद तो इसमें लिख सकते हो कि जैसे कई दिन, कई घंटे, कई वर्ष, कई दिन, कई घंटे, कई वर्ष, कई महीने, है ना, ऐसा 2 घंटे 4 घंटे, मतलब ऐसा भी समझते जाना, 2 घंटे 4 घंटे, कुछ दिन से यहाँ रह रहा है, फिर कई महीने मतलब कई वर्ष, नहीं कहते कि आज ये 10 साल से यहाँ रह रहा, कई महीने, है ना, तो ऐसा समझ जाओगे। मेन बात जब जहां अनिश्चितता का भाव हो, जहां तुम दिमाग मतलब तुम्हारा समय फिक्स ना हो पाए, वहां फॉर लगा देना, है ना, समझ। अब इसके आगे अब आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य या साधारण बात, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस मीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रक्चर बन गया है आप लोगों से, तो 100% आपसे तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें मीनिंग भी चाहिए, पर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे पहला नंबर देखो, दर्जी 2 घंटे से कपड़े सिल रहा होगा, ठीक, दर्जी 2 घंटे से कपड़े सिल रहा होगा या सी रहा होगा, कर दो, है ना, सी रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दर्जी, है ना, तो द टेलर विल, यहां पहुंच गए, हैव बीन, ठीक है। अब सीना किसके माने होता है, है ना, तो सीविंग, S E W I
एनजी। सीविंग मतलब सीना। अब क्या सिल रहा है? क्लॉथ्स। कितने? फॉर 2 आवर्स। ऐसा द टेलर हैज बीन, टेलर विल हैव बीन स्विमिंग क्लॉथ, यहां ओ लगा लेना, टेलर। हाँ ठीक है। अब दूसरा देखो, मंत्री जी दो घंटे से भाषण दे रहे होंगे, ठीक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मंत्री, तो मिनिस्टर, द मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ क्या लगाओगे? विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब विल हैव बीन भाषण देना है ना, तो देखो जैसे एक चीज और है, आज चीज और समझ, जैसे शोर करना, तो मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, तो इसमें मेकिंग का स्पीच भी लगा सकते हो या डिलीवरिंग स्पीच भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज समझना, मेकिंग आ स्पीच भी होता है, भाषण देना मेकिंग आ स्पीच, और दूसरा इसका होता है डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। तो जो अच्छा लगे, द मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच, आई स्पीच। अब कह कितने घंटे से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। समझ गए? मेकिंग, यहां ये भी बना सकते हो, मेकिंग आई स्पीच, मेकिंग आ स्पीच, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शोर करना का बनाते हो ना, मेकिंग आ नॉइस, मेकिंग आ नॉइस, मतलब है ना, तो ऐसा। माली सुबह से गड्ढे खोद रहा होगा, तो माली मतलब गार्डनर, द गार्डनर। अब गार्डनर के साथ क्या लगाओगे? विल हैव बीन, ठीक। अब खोदना का शब्द आता है, तो खोदने मतलब डिग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, डिग डग डग है ना, डिग डग डग, तो डिगिंग हो जाएगा, डी आई डबल जी आई एन जी, डिगिंग। किसको खोद रहा है? गड्ढे को, डिगिंग पिट्स। अब सुबह से है तो सिंस निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। माली सुबह से गड्ढे खोद रहा होगा, तो द गार्डनर विल हैव बीन डिगिंग पिट्स सिंस, हाँ गड्ढा होता तो पिट लगाते, गड्ढा होता तो पिट लगाते, है ना, समझ गए बात को। अब आता है निगेटिव सेंटेंस, तो बिल, देखो मैंने कल भी बताया था
कि शैल बिन प्लस नॉट प्लस है बिन, बस इतना बदल दो आप यहां से, बाकी काम आपको हो जाएगा। प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, बाकी सब वही, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कुछ करना नहीं है, सेल बिल के बाद नॉट लगाओ और हैव बीन अलग हो गया। ठीक, अब यहां से चलते हैं। वे सुबह से बात नहीं कर रहे होंगे, वे सुबह से बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक, अब वे मतलब दे के साथ विल है, विल विल तक आए, नॉट लगाओ, नॉट है बीन, बात करना मतलब टॉक है ना, टॉक टी ए एल के एल इसमें साइलेंट होता है, तो टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग टॉकिंग मतलब पूरा बात करना। ठीक है, कब से बात नहीं कर रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखो, सोहन आधे घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो सोहन सब्जेक्ट है, के बाद विल, नॉट, फिर हैव, फिर बीन। अब देखो यहां तक पहुंच गए, भीवन वर्ब खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले मतलब खेलना, तो प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा, प्लेइंग फुटबॉल, कब से नहीं खेल रहा, आधे घंटे से, आधे बच्चों को तो कम से कम आधे घंटे की स्पेलिंग नहीं मालूम होगी, है ना, तो इसको मैं इसीलिए ऐसे बनवा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में सब जो है वो भी आए। फॉर हाफ एन आवर, ये आधे घंटे की स्पेलिंग है ना, हाफ पढ़ते हैं, इसमें भी एल साइलेंट होता है। तीसरा नंबर, मीरा एक घंटे से भजन नहीं गा रही होगी, होगी तो मीरा विल नॉट है बीन सिंगिंग, मतलब गाना, एस आई एन जी आई एन जी, सिंगिंग। देखो मीरा विल नॉट है बीन सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है ना, गा रहा
एक घंटा से अनिश्चित है फॉर एन आवर। हालांकि देखो आर्टिकल की दृष्टि से देखा जाए तो एन लगेगा। मीरा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग, देखो सॉन्ग नहीं, इसमें मतलब सॉन्ग का प्रयोग मत करना है, सॉन्ग मतलब गाना होता है, भजन मतलब होता है भगवानी गाना, गाना में सब आ जाते हैं, लेकिन एक इंडिकेट करना है सिंगिंग अ मोटेट। मोटेट फॉर एन आवर, यहां वन आवर भी लगा सकते हो, ठीक है, वन आवर भी हो सकता है, लेकिन आर्टिकल की दृष्टि से लोग बाग बोलते हैं एन लगेगा, तो वो भी सही है, हालांकि वन आवर भी सही है, ठीक है। अब चलते हैं इस किस में, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में बहुत कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होगा, देखना अभी है ना, इतना साफ कर दो। अब यहां लिखते हैं इंट्रो, ठीक, स्ट्रक्चर आप देखो, पूरे मिटा दो, इतना मिटा दिया जाए है ना। मैं डब्ल्यू एच भी लिखे देता हूं, प्लस सेल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा है। अब देखा, बार बार हर सेंस में ये समझाता हूं, डब्ल्यू एच की पहचान क्या है, कि बीच में क्यों आए, कब आए, कैसे आए, कहां आए, जब बीच में आए वो तब ये डब्ल्यू एच, मतलब वाई व्हाट वेयर व्हाई व्हेन है ना, ऐसे वर्डों का प्रयोग करना है, बस सबसे पहले उन्हीं की मीनिंग बनाएंगे। अब अगर शुरुआत होती है क्या कब क्यों कैसे, शुरू में आ जाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, ठीक है। देखो जैसे पहला नंबर, छोटे छोटे इसलिए बनवा रहा हूं कि बहुत लंबा इसका स्ट्रक्चर है, अगर कठिन बनवाया जाएगा तो जल्दी बच्चों की समझ में आएगा नहीं, है ना। तो मतलब आपको सिर्फ अरेंज करना, बाकी मीनिंग अगर ये सब बनने लगा तो मीनिंग सेट करना है बाकी, ठीक है। जैसे देखो, क्या वह है दो घंटे से कार चला रहा होगा, चला रहा होगा, ठीक। अब देखो, क्या ये शुरू में आया तो ये डब्ल्यू एच नहीं लगेगा, सेल बिल से चालू होगा, अगर ये क्या बीच में आता तो डब्ल्यू एच से चालू होता, ठीक है। अब तो वह है तो बिल लगेगा, विल ही have been drive, अब चलाना तो ड्राइव करना ना, तो डी आर आई वी ड्राइविंग, डी आर आई वी आई एन जी ड्राइविंग अ कार कितने घंटे से, दो घंटे से, तो will he have been driving a car for 2 hours, अगर वन एक घंटा होता तो आवर लगाते, एक घंटे से ज्यादा इसलिए आवर्स का प्रयोग होगा। तो अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, आवर्स पर टू आवर्स। अब दूसरी बात आगे देखो,
क्या शिक्षक नहीं, इसमें वो कर देता हूं, शिक्षक दो घंटे से पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, शिक्षक दो घंटे से पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब समझना है बात। इसमें मैंने दो काम तीन काम इकट्ठा करा दिया कि पहली बात तो डब्ल्यू एस फैमिली जोड़ दिया, इंट्रोगेटिव है ही और साथ में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो गए। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले ये क्यों, यहां देखो क्या यहां शुरू में आया था, यहां बीच में आया, तो हमको अब यहां से चलना पड़ेगा डब्ल्यू एस से। तो सबसे पहले तो इसी की मीनिंग बनाना है, तो वाई। अब शिक्षक है तो बिल लगेगा, बिल टीचर, वाई विल टीचर। अब टीचर के बाद हैव बीन, नहीं वाई विल टीचर नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। ठीक है, नॉट हैव बीन वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो वाई विल टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग अब क्या नहीं पढ़ा रहे हैं पाठ, तो टीचिंग अ लेसन कब से नहीं पढ़ा रहे हैं, दो घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर लगाओगे, फॉर लगा लो, फॉर टू आवर्स। समझ गए, तो इस तरह मतलब एग्जाम्पल आपको तो देखना है। ठीक है, सबसे मेन मैं बार बार सबको समझाता हूं, आप स्ट्रक्चर समझो पहले, मीनिंग याद करो। जैसे मान लो पढ़ना की मीनिंग क्या है, क्योंकि मीनिंग क्या है, इसको जब तक रटोगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं, है ना। तो इसको आपको रटना है, और इसके बाद जो है अब मैं अगली वीडियो में वॉइस आप ये टेंस आपसे आज से कंप्लीट हो गए, पूरे टेंस आप लोग देख सकते हैं पूरी वीडियो में। अब अगला जो है वॉइस होगा, फिर इसके बाद आपको मॉडल, प्रीपोजिशन और क्वेश्चन टैग ये सब पढ़ाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।